हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टिक सेंटर में। आज इस वीडियो में हम लोग फोबिया वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है डर। अगर हमें किसी वस्तु से या किसी स्थान पर जाने से डर लगता है, उसे ही हम लोग फोबिया वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है फियर ऑफ हाइट। ऊँचाई से डर लगने को क्या कहते हैं? पहला कैलमफोबिया, एक्रोफोबिया, गिनोफोबिया, होमोफोबिया। इसका सही उत्तर होगा एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगने को एक्रोफोबिया ही कहते हैं। दूसरा नंबर फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। सुंदर स्त्री से डर लगने को क्या कहते हैं? पहला केल्टोफोबिया, एक्रोफोबिया, गिनोफोबिया और केलगेनीफोबिया। तो इसका सही उत्तर डी होगा, केलगेनीफोबिया, सुंदर स्त्री से डर लगने को कहते हैं। अब तीसरा नंबर फियर ऑफ ब्लड। खून से डर लगने को क्या कहते हैं? पहला हेमोफोबिया, दूसरा एरोफोबिया, गिनोफोबिया और चौथा केलगेनीफोबिया। तो इसका सही उत्तर होगा ए, हेमोफोबिया, खून से डर लगने को कहते हैं। अब चौथा नंबर फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चे को जन्म देने से डर लगने को क्या कहते हैं? ए हेमोफोबिया, बी एक्रोफोबिया, थ्री टोकोफोबिया और चौथा केलगेनीफोबिया। तो इसका सही उत्तर है टोकोफोबिया। अब पांचवा नंबर फियर ऑफ बुगलर्स। चोरी करने या सेंध मारने से डर लगने को क्या कहते हैं? ए हेमेटोफोबिया, बी एरोफोबिया, टोकोफोबिया और सेलोरोफोबिया। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अब छठवा नंबर फियर ऑफ क्राउड्स या मॉब्स। भीड़ से डर लगने को क्या कहते हैं? ए हेमोफोबिया, बी एग्रोफोबिया, सी टोकोफोबिया और डी स्क्लेरोफोबिया। तो इसमें सही उत्तर होगा बी। अब सातवां नंबर फियर ऑफ डार्कनेस। अंधेरे से डर लगने को क्या कहते हैं? नाइक्टोफोबिया, ओचोलोफोबिया, टोकोफोबिया और स्क्लेरोफोबिया। तो इसका सही उत्तर होगा ए, नाइटोफोबिया, अंधेरे से डर लगना। फियर ऑफ डेथ। मरने से डर लगने को क्या कहते हैं? नाइटोफोबिया, ओचोलोफोबिया, थैनाटोफोबिया और स्क्लेरोफोबिया। तो इसका सही उत्तर होगा थैनाटोफोबिया, मरने से डर लगना। अब नौवा नंबर फियर ऑफ डीपेट्स। गहराई से डर लगने को क्या कहते हैं? ए नाइटोफोबिया, ओचोलोफोबिया, थैनाटोफोबिया और बैथोफोबिया। तो आंसर होगा डी, बैथोफोबिया। अब दस नंबर फियर ऑफ डिसीज़ या सिकनेस। बीमारी से डर लगने को क्या कहते हैं? नोसोफोबिया, ओचोलोफोबिया, थैनाटोफोबिया और बैथोफोबिया। तो इसका सही उत्तर होगा ए, नोसोफोबिया। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।